नमस्कार, बुक कैफे में आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश पांडे आज जिन पांच पुस्तकों पर आपसे चर्चा करूंगा, उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, उसका संगठन, दूसरी पुस्तक महात्मा गांधी जी के राजस्थान प्रवास, तीसरी पुस्तक एक उपन्यास है जिसमें हिंदू धर्म में दलितों की स्थिति की चर्चा की गई है, चौथी पुस्तक चार बाल उपन्यास हैं और पाँचवीं पुस्तक एक गज़ल संग्रह। इन पुस्तकों पर विस्तार से चर्चा निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी। आज की हमारी पहली पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र है। इसके लेखक सुनील आंबेकर जी हैं। सुनील आंबेकर जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक बड़े पद पर हैं और उन्होंने अपना जीवन बचपन से ही शाखा के माध्यम से शुरू किया था। संघ को वो अंदर से जानते हैं और यह पुस्तक पहले अंग्रेजी में लिखी गई। 2019 में मोहन भागवत जी ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया और उन्होंने संघ के बारे में एक दृष्टिकोण रखा। उनका यह मानना था कि स्वयं संघ के बारे में संघ प्रमुख भी बहुत थोड़ी जानकारी रखते हैं। उनका दूसरा आग्रह था कि जिन भी लोगों को संघ को समझना हो वो हेगड़ेवार जी के, डॉक्टर हेगड़ेवार के जीवन से संघ को समझ सकते हैं। उनका कहना था कि अगर संघ के बाहर का कोई व्यक्ति संघ को समझना चाहता है तो वह कम से कम संघ के साथ 2 से 2.5 साल तक जुड़े और वह समझने की कोशिश करे कि यह संगठन है क्या। उनका मानना है कि राष्ट्र राज्य को समर्पित संघ एक ऐसा अनुशासित संगठन है जिसकी कामना है हिंदू राष्ट्र का निर्माण। उनका मानना है कि संघ में सब कुछ परिवर्तित हो सकता है लेकिन हिंदू राष्ट्र का जो भाव है वह परिवर्तित नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र क्या है इसको भी वह स्पष्ट करते हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो भी व्यक्ति इस भारत की भूमि पर पैदा हुआ है, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे वह बौद्ध हो, चाहे वह जैन हो, वह हिंदू है। सुनील आंबेडकर जी ने स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र के रूप में इस बात को लिखा है कि संघ दलितों के बारे में क्या सोचता है, संघ महिलाओं के बारे में क्या सोचता है, संघ मुसलमानों के बारे में क्या सोचता है, संघ आज जो शासन कर रहा है सत्ता वर्ग भारतीय जनता पार्टी उसको लेके संघ की क्या सोच है और संघ किस रूप में भारत का निर्माण करना चाहता है। उनका मानना है कि बिना संघ से जुड़े संघ को नकारे जाने का भाव गलत है। संघ किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति का विरोधी नहीं है। प्रभात प्रकाशन इस पुस्तक के प्रकाशक हैं और 272 रुपये की इस पुस्तक का मूल्य 250 रुपये है। आज की हमारी दूसरी पुस्तक गांधी जयपुर सत्याग्रह है। इसके लेखक गोपाल शर्मा हैं। गोपाल शर्मा महानगर टाइम्स के प्रधान संपादक हैं, बहुत ही तेज तर्रार पत्रकार थे। उन्होंने अयोध्या आंदोलन को बहुत नज़दीक से कवर किया, देवराला सतीकांड और राजस्थान की जितने भी रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी खोजपूर्ण रिपोर्टें थी उनके पीछे गोपाल शर्मा का नाम जरूर आता है। गोपाल शर्मा ने अथक मेहनत से इस पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक में उन्होंने कई नए तथ्य रखे हैं। उन्होंने इस बात को भी स्थापित करने की कोशिश की है कि महात्मा गांधी का राजस्थान से एक घनिष्ठ लगाव था और जमनालाल बजाज के माध्यम से उन्होंने कई आंदोलनों को दिशा दी थी। कई नई जानकारियां हैं, जैसे राजस्थान में जयपुर राजघराना ब्रिटिश प्रधानमंत्री रखता था, यानी राजघराने भी अपने कार्यभार के लिए एक प्रधानमंत्री रखते थे। वे प्रधानमंत्री वैसे तो राजघरानों के नौकर थे लेकिन सही मायनों में उनकी आस्था ब्रिटिश क्राउन के प्रति थी। तो देखने में तो जयपुर राजघराना एक अलग राजघराना था लेकिन परोक्ष रूप से उसकी सत्ता ब्रिटिश शासन के पास थी। महात्मा गांधी को पहली बार जब यह पता चला कि वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऐसे कानून बना रहा है जो आम जनता के खिलाफ हैं, तो उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन की बात की। गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन के जवाब में उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कहना था कि इसका जवाब मशीन गन से दिया जाएगा। गांधी ने अहिंसात्मक आंदोलन किया,
ब्रिटिश प्रधानमंत्री को हटना पड़ा और जब उसके बदले में जयपुर राजघराने ने यह तय किया कि महात्मा गांधी जब राजस्थान जयपुर में उतरेंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी, तो गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। गोपाल शर्मा बहुत दृढ़ता से इस बात को कहते हैं कि गांधी का यह मानना था कि घोड़े को दौड़ा कर मार डालने से बेहतर है कि सही सेनापति वही है जो सही समय पर सही निर्णय करे और अपनी जनता या अपने सैनिकों को कम से कम क्षति में बड़ा से बड़ा लाभ अर्जित कर सके। इस पुस्तक में सुभाष बाबू और नेहरू के संबंधों का भी जिक्र है, इस बात का भी जिक्र है कि गांधी ने एक समय यह तय कर लिया था कि सुभाष चंद्र बोस नेहरू की सत्ता को संभालें। सुभाष बाबू जब विदेश की यात्रा कर कराची पहुंचे तो गांधी जी ने इस बारे में उनको एक चिट्ठी भी लिखी थी। इस पुस्तक के प्रकाशक महानगर टाइम्स स्वयं हैं और 380 पृष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य 695 रुपये है। गांधी, राजस्थान, स्वतंत्रता आंदोलन में जिन भी लोगों की रुचि हो और वे शोधार्थी जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर काम कर रहे हैं उनके लिए यह पुस्तक उपयोगी हो सकती है। आज की हमारी तीसरी पुस्तक है सनातन। शरण कुमार लिम्बाले की यह पुस्तक है जिसका उपशीर्षक है भीमा कोरेगांव और इतिहास की नाइंसाफी। यह पुस्तक मूलतः मराठी में लिखी गई थी, इसका हिंदी अनुवाद पद्मजा घोरपड़े ने किया है। शरण कुमार लिम्बाले का मानना है कि हिंदू धर्म ने दलितों के ऊपर लंबे समय तक अत्याचार किया, एक बड़े वर्ग को वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से उसके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया। महार जाति के माध्यम से उन्होंने इस उपन्यास की संरचना की है और उनका मानना है कि हिंदू धर्म अगर आज चाहे भी तो मुआवजे के तौर पर दलितों को उनका प्राप्य नहीं सौंप सकता, उनके अधिकार वापस नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो ज्यादती आपने की है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। शरण कुमार लिम्बाले पहले भी बहुत सारी पुस्तकें लिख चुके हैं, दलित ब्राह्मण, बहुजन, छुआछूत, इस पर उनकी बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक वाणी पेपरबैक्स हैं और 216 पृष्ठों के इस उपन्यास का मूल्य 299 रुपये है। आज की हमारी चौथी पुस्तक चार बाल उपन्यास है, इसके लेखक प्रकाश मनु हैं। प्रकाश मनु जाने माने बाल साहित्यकार हैं, उन्होंने हालांकि बड़ों के लिए भी उपन्यास और पुस्तकें लिखी है, वे कवि भी हैं, कोमल हृदय के मालिक हैं और बाल साहित्य पर उन्हें साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार भी मिल चुका है। बच्चों के इस जाने माने लेखक ने चीकू मिकू, दो दोस्त, भोलू और पढ़ाई, गधे दोस्त, जानवरों के माध्यम से तरह तरह के चरित्र रचे हैं। बच्चे पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, बंदर उनका कैसे दोस्त हो सकता है, जानवरों के बीच में आपस में कैसे दोस्ती हो सकती है, इसको बहुत ही मनोरंजन ढंग से उन्होंने लिखा है। पागल दास कोई कवि कैसे हो सकता है, रचनाएं कैसे कर सकता है, बहुत ही सहज ढंग से, बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने संवाद शैली में, किस्सागो शैली में अपनी बात कही है। 176 पृष्ठ के इस उपन्यास का मूल्य 350 रुपये है और इसके प्रकाशक एसके इंटरप्राइजेज हैं। अपने वादे के मुताबिक आज पांचवी पुस्तक एक गज़ल संग्रह में लेकर आया हूँ जिसका नाम ही है गज़ल जब बात करती है। डॉक्टर वर्षा सिंह सागर में रहने वाली हैं, MSc वनस्पति शास्त्र से उन्होंने किया है, वहाँ के सरकारी महकमे में काम करती हैं, लेकिन उनकी असली पहचान एक कवि की है, एक गज़लगो की है, एक गज़लकार की है। वो बताती हैं कि गज़ल है क्या और इसके बहाने उन्होंने बहुत सारी उम्दा गज़लों की रचना की है। कुछ गज़लें जैसे अगर मैं उनके एक एक शेर आपके सामने पढूं, कोशिश तो बहुत की थी हमने तो मनाने की, वो रूठ गया आकर बातों में जमाने की। इसी तरह से दूसरा एक शेर है दूसरी गज़ल का, कितने रात छुपाए रहती वह मेरी छोटी सी इमेज, मुझको सकी सहेली लगती वह मेरी छोटी सी इमेज। इसी तरह से लक्ष्य पाना है बढ़ो
यह शर्त है, जीतना है तो लड़ो यह शर्त। जहाँ पे आज रेत है वहीं पे थी नदी कभी, जले थे प्रेम के दिए हुई थी रोशनी कभी। इस गजल संग्रह को शिवना पेपर बैग्स ने छापा है और इसका मूल्य 200 रुपये है। उम्मीद है बुक कैफे का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस एपिसोड में आप किस तरह की पुस्तकों के बारे में जानना चाहते हैं, आप अगर हमें लिखेंगे तो हमें खुशी होगी। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। अगले हफ्ते ऐसी ही कुछ पुस्तकों के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।